हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में BGMI, फ्री फायर और पबजी जैसे किसी भी अलग गेम की जो OBV फाइल होते हैं उसे कैसे अपने एंड्रॉयड फोल्डर में कैसे पेस्ट कर सकें ताकि आपकी गेम चल सके। सो गाइस, एंड्रॉयड 11 के अपडेट के बाद कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन पेस्ट के दरमियान आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सिंपली गाइस, जिसने ये एंड्रॉयड 11 का अपडेट अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है उसे रिस्ट्रिक्शन इस OBV फाइल पेस्ट के दरमियान 100% दिखाई दे होंगे। इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस प्लीज़ ये लाइव वीडियो लास्ट तक देखें बिना स्किप के, तो फिर आप अपने गेम का पहले जैसे आनंद भी उठा सकेंगे। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली मैं आपको अपने फ़ोन में ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ। प्ले देखे, मैंने अपनी OBV फाइल कॉपी की और उसे एंड्रॉयड फोल्डर में OBV फोल्डर में पेस्ट करने की कोशिश की, पर एंड्रॉयड 11 के रेस्ट्रिक्शन की वजह से इधर मुझे फोल्डर के अंदर के कंटेंट भी नहीं दिखाई दे रहे और एम भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए सिंपल आप अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए और उधर सर्च कीजिए गूगल फाइल्स सर्च करें और इसे इंस्टॉल कीजिए। सिंपली गाइस, गूगल फाइल्स इंस्टॉल करने के बाद गूगल फाइल्स पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और उसके बाद उसके ऐप इंफो में जाइए। उधर इंस्टॉल ऐप्स और अननोन सोर्स इस स्टेप को आप अलाउ कर दीजिए, सॉरी इस ऑप्शन को। उसके बाद 10 सेकंड रुक के और फिर उसे ओके कीजिए। सिंपली यही स्टेप आप अपने फाइल मैनेजर पे कीजिए। फाइल मैनेजर लॉन्ग प्रेस करके उसके सेटिंग में जाइए और उधर इंस्टॉल ऐप्स और अननोन सोर्स इसको अलाउ कीजिए। मेरे ऑलरेडी अलाउ है। सिंपली मैं आपको फाइल मैनेजर फिर से ओपन कीजिए, आप इंटरनल स्टोरेज में जाइए और आपके OBV फाइल किधर है वो ढूंढिए और उसे सिंपली कॉपी कीजिए। आप कॉपी भी कर सकते हैं या डायरेक्ट मूव भी कर सकते हैं। मैं मूव कर देता हूँ। मूव करें एंड्रॉयड में OBV फोल्डर के अंदर। ये देखिए, पहले कंटेंट नहीं दिख रहे थे, अब सारे कंटेंट दिख रहे हैं। pubg.imobile पे क्लिक कीजिए और उधर पेस्ट कीजिए। सो मैं आपको गेम ओपन करके दिखाता हूँ। गेम ओपन करने से पहले चेक कीजिए कि आपकी BGMI जो गेम है वो पहले से बैकग्राउंड में चल रही है क्या नहीं चल रही है। जब चल रही होगी तो फिर उसे क्लियर कीजिए और फिर से री ओपन कीजिए, उसके बाद ही वो रन हो गया अच्छे से। ये देखिए, मैं फिर से री ओपन किया, उसके बाद ये देखिए, इसी बात पे बिग थम्स अप बनता है गाइस मेरे लिए। उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आगे ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज, थैंक यू।